हेलो स्टूडेंट। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन हम उसे इजी बना देंगे। इफ u इज इक्वल टू x psi y अपॉन x प्लस psi y अपॉन x, ये वाला एक कुछ तो अजीब सा फंक्शन है, तो हमें प्रूव करना है, शो करना है, एक्स स्क्वायर डाबा टू यू अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डाबा टू यू अपॉन डाबा वाई बाय डाबा एक्स प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू अपॉन डाबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक फंक्शन अज्यूम करूंगा, सो आप देखोगे किस तरह से करता हूँ। ठीक है, सो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा वाई अपॉन एक्स में। अब देखो मैं करता हूँ, क्योंकि ये मैथ तो ओवरली पढ़ाया नहीं जाता, तो आपको आई डोंट नो कितना समझ में आया होगा। लेट मी कंसिडर u इज इक्वल टू, एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, लेट मी कंसिडर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ ये साइन इनवर्स वहां भेज देता हूँ मैं, सो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से अगर x कॉमन ले लू, हाँ, अब एक्स क्यू मुझे y अपॉन x चाहिए, सो यहाँ पे हो जाएगा x अगर कॉमन ले लो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, x x गेट कैंसल, सो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो क्या ये फंक्शन इस तरह से बन गया, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x रेज टू 0 दैट इज 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड है, f ऑफ y अपॉन x बन गया। देखो अब थोड़ी देर के लिए साय ये जो फंक्शन है ना साय वाला, इसे मैं जीरो कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी इतना बड़ा फंक्शन लेके। सो यहाँ पे एक्स साय वाई अपॉन एक्स तो आ गया। ठीक है, सो लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, सो एक्स की पावर कितनी है, 0, सो एन इक्वल टू 0। ठीक है, एन इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखो अब मैं आपको दो चॉइसेस देता हूँ, एक तो आप इसे z पकड़ लो या u पकड़ लो या f पकड़ लो या इसे f पकड़ लो। ठीक है, आप किसको f पकड़ोगे आपकी इच्छा, लेकिन मुझे तो लेंथी सम सॉल्व करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सो मैं इसे f पकड़ता हूँ, साइन u इज माय f। ठीक है, सो चलो अब सॉल्व करते अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम, ऑयलर थ्योरम क्या कहता है, x डाबा u बाय डाबा x प्लस y डाबा u बाय डाबा y इक्वल टू n इंटू f, बट यहाँ पे हमारा n जीरो है, सो एंटायर विल बी जीरो, सो इट विल बिकम x डाबा u बाय डाबा x y डाबा u बाय डाबा y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखो सिंस n इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो रहा तो कोई भी फंक्शन है इट विल बी जीरो। ठीक है, चलो अब u की वैल्यू हमने ली है साइन साइन u, ठीक है, लेट मी पुट हियर x, एक मिनट, हाँ x डाबा बाय डाबा x, u है अपना साइन u प्लस y डाबा बाय डाबा y साइन u इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे यहाँ पे u है लेकिन यहाँ से फिर से साइन u आ गया, आई एम सॉरी, यहाँ पे करना चाहिए था f, ठीक है, फंक्शन ना, सो दोनों जगह फंक्शन फंक्शन हो जाते, ठीक है, सो हमारा फंक्शन है साइन यू। ओके, अब ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलो तो चल ले लो डेरिवेटिव ले लो, तो साइन यू का डेरिवेटिव आएगा कॉस यू, एक्स कॉस यू डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस वाई कॉस यू डाबा यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से कॉस यू कॉमन ले लो, क्या बनेगा, x डाबा u बाय डाबा x y डाबा u बाय डाबा y इक्वल टू जीरो, ये cos वहां भेज दो, इट विल बिकम x डाबा u बाय डाबा x प्लस y डाबा u बाय डाबा y इक्वल टू जीरो, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर ए, ओके, या यू कैन से डोंट से ए, से टू, क्योंकि पीछे ऑलरेडी 1 दिया है ना, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2। अब देखो क्या करना है, अब हमें
इस इक्वेशन के हेल्प से आगे वाला प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर टू, ये बेसिक इक्वेशन है, उसे मैं एक्स से अगेंस्ट मतलब डबल डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद उसे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पे मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा एंड देन उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। वहां पे भले एक्स स्क्वायर हो, जस्ट वी मल्टीप्लाई बाय एक्स। देन अगेन सेम प्रोसीजर, मैं उसको वाई से डिफरेंशिएट करूंगा, किसे, एक सेकेंड इसे हटा दो ना, हाँ इसे, इक्वेशन नंबर टू को अगेन वाई से डिफरेंशिएट करूंगा, वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, आई विल गेट आंसर, ठीक है। चलो नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमें मिलेगा डाबा बाय डाबा एक्स, एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स, वाई डाबा यू बाय डाबा वाई इक्वल टू जीरो। अब जीरो का क्या डेरिवेटिव लेना हो? चलो सबसे पहले यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट है, क्यों, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ओके। सो यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगेगा, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एज इट इज, ये डाबा टू यू डाबा एक्स स्क्वायर, देन डाबा यू बाय डाबा एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, यहाँ पे कोई बात नहीं, वाई एज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि वाई के अंदर क्या एक्स का फंक्शन ना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा डाबा यू डाबा एक्स डाबा वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नाउ इसे मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस एक्स वाई डाबा यू डाबा एक्स डाबा वाई इक्वल टू जीरो, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर थ्री। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट, वो वी गेट आप लिख लेना, ठीक है, डाबा बाय डाबा वाई एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स वाई डाबा यू बाय डाबा वाई। अब देखो यू इंटू वी यहाँ पे लगेगा, ठीक है, सो यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा डाबा टू यू डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई एज इट इज डाबा टू वाई डाबा वाई स्क्वायर, ओ आई एम सॉरी यहाँ पे यू आएगा, आई एम सो सॉरी, डाबा टू यू डाबा वाई स्क्वायर, देन डाबा यू बाय डाबा वाई एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वन, ठीक है। अब मैं इसे वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स वाई डाबा टू यू डाबा एक्स डाबा वाई, वाई स्क्वायर डाबा टू यू डाबा वाई स्क्वायर प्लस वाई डाबा यू बाय डाबा वाई इक्वल टू जीरो, कॉल द इक्वेशन नंबर फोर। नाउ वील जस्ट एड बोथ इक्वेशन, तो हमें मिलेगा एड थ्री एंड फोर, वी गेट एक्स स्क्वायर डाबा टू यू डाबा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डाबा टू यू डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू डाबा वाई स्क्वायर प्लस एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स वाई डाबा यू बाय डाबा वाई इक्वल टू जीरो, बट वी नो वेरी वेल, ठीक है, ये चीज क्या है, इसका आंसर तो जीरो निकाला था ना, एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस वाई डाबा यू बाय डाबा वाई। देखो यहाँ पे एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस वाई डाबा यू बाय डाबा वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी इसका आंसर जीरो आएगा, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत करना, फ्रॉम इक्वेशन टू लिखना, सो एक्स स्क्वायर डाबा टू यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डाबा टू यू बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा टू यू डाबा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। हिंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था, देखो कितना इजी है, मतलब बस इस ये वाला जो एग्जांपल था ना, यही सबसे हटके था, ठीक है, दिमाग का दही कर दिया था इसने, क्योंकि सबसे
स्टार्टिंग में मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कैसे करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा कि अगर इस तरह से किया जा सकता है, सो या वी कैन, सो आप ध्यान में रखना एग्जाम में इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। एग्जाम में इतने हार्ड आते नहीं इस चैप्टर के ऊपर, आपको बस शो दैट, प्रूव दैट, इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है, या वेरीफाई ऑयलर थ्योरम हो रहा है नहीं, ठीक है, या फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव, या वेरीफाई द चेन रूल। हाँ, चेन रूल नाम का थ्योरम आता है, बट द चेन रूल थ्योरम, सो वो आपको करके ही जाना है। स्टेटमेंट आ सकता है या बस एक नाम आ सकता है, स्टेट एंड ट्रू चेन रूल। अगर स्टेट एंड ट्रू आया तो मे बी 5 मार्क्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है, एंड अगर स्टेटमेंट दिया है तो 3 3 मार्क्स आर सफिशियंट है, ठीक है। सो इस तरह से आपको सोचना है, ध्यान में रखियो बस। चलो अब मैं निकलता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।